दिस इज सी रवीना कुमार एन एजुकेटर एट HBA. आज हम सब यहाँ मिले हैं CA फाउंडेशन का पेपर 3 का पार्ट 2 स्टडी करने, विच इज एथिक्स एंड बिजनेस. हमारा पेपर है 5 दिसंबर को, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने से भी कम टाइम है. लेकिन क्या हो जाता है कि जो 30 मार्क्स का पेपर है, बच्चे जनरली इस पेपर को बहुत लाइटली लेते हैं. सो वन थिंग बच्चों, आप लोगों को सिर्फ 1.5 घंटा देना है एंड वी विल कवर प्रॉपरली पूरे 30 मार्क्स का पोर्शन, जो स्कोरिंग के लिए तुम लोगों को बहुत मदद करेगा. ओके चलो, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम क्या है? एथिक्स एंड बिजनेस. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एथिक्स? बच्चों, एथिक्स का मतलब होता है कि हम मॉरली कोई भी एक्ट को कंडक्ट करते हैं, या हम गुड और बैड, ये दोनों वर्ड्स या ये दोनों थिंग्स में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. ओके, एथिक्स का मतलब होता है जब हम हमारी पर्सनल लाइफ या वाइल कंडक्टिंग बिजनेस वी फॉलो रूल्स, रेगुलेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वी आर एबल टू बायफर्केट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. ओके, इट इज एन MCQ पैटर्न. सो आई विल बी टेलिंग यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम लोगों को क्या क्या लर्न करना है. रेस्ट द कंप्लीट पोर्शन इज वेरी जनरल. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एथिक्स. ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक साइंस. ये एक साइंस है, ये एक मॉरल फिलॉसफी है. ये हमें ये बताता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट. क्लियर है? फर्स्ट में क्या लिखा है, एथिक्स इज अ सिस्टमैटिक स्टडी. यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि एक पर्सन को सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए. ओके, सेकेंड चीज को याद रखनी, इट इज अ मॉरल फिलॉसफी एंड हियर इट टेल्स अस द कंसेप्ट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देर आर 4 एरियाज इन एथिक्स. तुम लोगों को ये याद रखना है कि कितने एरियाज हैं. क्या लिखा है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ऑपरेशनल एरियाज, नेमली दैट इज द मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड देन कम्स इज द वर्ड अप्लाइड एथिक्स. ये वर्ड हमें ड्यूरिंग द पोर्शन समझ में आएंगे, इसके लिए ज्यादा डिटेल स्टडी हमें नहीं करनी. रिपीट करेंगे, कितने एरियाज हैं? 4. उनका नाम क्या है? सबसे पहला है मेटा एथिक्स, सेकेंड इज नॉर्मेटिव, ये याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव एंड देन कम्स इज द अप्लाइड एथिक्स. ओके, अब ये लोग बोल रहे हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ एथिक्स. बच्चों, जब से वी आर बॉर्न, हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से बताते हैं कि क्या रॉन्ग है क्या गलत है. सिर्फ बोलने से नहीं, हमें हमारे एक्शंस में पोर्ट्रे करना पड़ता है व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज रॉन्ग एंड नाउ वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, एथिक्स रेफर्स टू अ वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स. मतलब इसने कोई तो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो हमें क्या बताता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, हमारे ऊपर क्या राइट्स है, हमारे क्या ऑब्लिगेशंस है और बेनिफिट्स टू दी सोसाइटी भी क्या है. क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंडली एथिक्स रेफर्स टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड. ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल हम हमारे एथिक्स को अपग्रेड करते रहते हैं. स्कूल जाते टाइम डिफरेंट एथिक्स होते हैं कि किसी की पेंसिल चोरी नहीं करनी है या हमें पेपर कॉपी नहीं करना है. कॉलेज में जाके डिफरेंट एथिक्स होते हैं, जॉब में डिफरेंट एथिक्स होते हैं, फैमिली लाइफ में देयर इज डिफरेंट एथिक्स. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स. तो पहला फंडामेंटल ये है कि भाई राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये समझ लो. एंड द सेकेंड इज तुमको लाइफ लॉन्ग अपने एथिक्स के जो स्टैंडर्ड है वो डेवलप करने पड़ते हैं, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एज के हिसाब से अलग अलग अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट, ये लोग हमें बता रहे हैं कि एथिक्स और मॉरल ये दो वर्ड्स में क्या डिफरेंट है. आइडियली अगर हम ऐसे लेन इंडिविजुअल के हिसाब से देखें, सो एथिक्स और मॉरल दोनों ऑन एन एवरेज सेम वर्ड लगते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. ये लोग यहाँ पे सेम वही बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ये लोग बोल रहे हैं कि लिंग्विस्टिक यूज दोनों का प्लूरल आता है, राइट right? क्योंकि इसके आगे एथिक्स के आगे एस है और मॉरल्स के आगे भी एस है. बोलते समय लिंग्विस्टिक मतलब क्या, लैंग्वेज वाइज ये प्लूरल लगता है लेकिन पेपर में एक चीज याद रखनी है, बट वी ट्रीट देम एज सिंगुलर. पेपर में याद रखना है दे आर नॉट प्लूरल, दे आर सिंगुलर. पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉरल और एथिक्स ये वर्ड प्लूरल है सिंगुलर है या कुछ भी नहीं है. तो इसका आंसर आएगा कि सुनाई देने में ये प्लूरल है लेकिन एक्चुअली में हम उसको क्या मानते हैं, एक्चुअली में उसको माना जाता है सिंगुलर. बोथ ऑफ देम आर सिनोनिम्स. क्या लिखा है, सिनोनिम्स का मतलब क्या, कभी हम एथिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं
सकते हैं, कभी हम मोरल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूसेज आफ्टर ऑल द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स डिपेंड अपॉन देयर कॉमन यूसेज। वो बोल रहे जनरली हम दोनों वर्ड्स साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई भी फॉर्मल स्टडी करते हैं जैसे कि आज हम इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो बच्चों ये है हमारा मॉरल, इतना ये हमारा मॉरल है, एंड देन ये है हमारा एथिक्स। ओके, मॉरल का मतलब क्या होता है? जो जस्टिफाई करता है, एथिकल रैशनलाइजेशन, ये वर्ड हमें याद रखना है। मोरालिटी क्या बताता है? मोरालिटी बताता है एथिकल रैशनलाइजेशन। What do you mean by the word rationalization? मतलब justification करना कि ये क्यों सही है या क्यों गलत है। Moral हमें ये बताता है, rationalize करता है कि ये करना सही है, ये करना गलत है। लेकिन ethics क्या बताता है? Ethics produces a theory. Ethics produces a theory और उस theory को हमको apply करना पड़ता है ताकि हम सॉल्व कर सके एथिकल प्रॉब्लम। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक कंपनी में हैं, अभी आज हमें डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हम ए दे रहे हैं, राइट? पर हम उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस। तो ये एक क्या है? एथिकल प्रॉब्लम कि हम झूठ बोलने वाले। सो वो टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा? पूरे एथिक्स के स्टडी पे जाना पड़ेगा, एथिकल थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, और फिर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई। यस, याद रखेंगे मोरालिटी इज व्हाट? इट इज एथिकल रैशनलाइजेशन। और एथिक्स क्या होता है? एथिक्स बताता है थ्योरी, और थ्योरी को हम क्या कर देते हैं? अप्लाई। ओके, एक छोटा सा डिस्टिंग्विश है बच्चों, ये याद रखेंगे बिटवीन एथिक्स एंड बिटवीन मॉरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जनरली लगता है कि सब वर्ड्स लैटिन से डिराइव होते हैं, तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एथिक्स का रूट वर्ड ग्रीक लैटिन है कि क्या है। लैटिन नहीं टिक करना है, दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड से आए हैं, याद रखना है। इसका ग्रीक वर्ड क्या है? एथिकॉस। इसका ग्रीक वर्ड क्या है? मॉस। ओके, एथिक्स कहां से है? एथिकॉस, विच मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या? हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टर कैसा है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम क्या फॉलो करते हैं। And morally means moss, which means customs. Customs का मतलब क्या होता है बच्चों? Customs का मतलब होता है rituals, मतलब रीति रिवाज जो ग्रुप में फॉलो करते। फॉर एग्जाम्पल दिवाली का रिचुअल क्या होता है? दिवाली का रिचुअल होता है कि हमें इवनिंग में लक्ष्मी पूजा करना होता है। दैट इज अ रिचुअल, दैट इज अ moral, जो जनरली लक्ष्मी पूजा कर रही है पूरा ग्रुप फॉलो करता है। सो यस, दीज डील्स बाय द ग्रुप्स। और यहाँ पे कैरेक्टर बच्चों, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग कैरेक्टर होता है। जैसे कि टाटा, टाटा का क्या कैरेक्टर था कि मुझे 1 लाख की गाड़ी लॉन्च करनी है। टाटा ने ये गाड़ी क्यों लॉन्च करी? क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया में मैक्सिमम लोग बिलो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हैं, तो वो चाहता था कि सब लोग कार में घूमें। तो ये उसका इंडिविजुअल क्या था बच्चों? कैरेक्टर। सो जनरली एथिक्स डील्स विद एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, एक इंसान का पर्सनल एट्रीब्यूट की बात होती है। और यहाँ पे ये जनरल कल्चर, जनरल रिचुअल्स, मतलब ये क्या? रिलीजन और कल्चर के हिसाब से बात करते हैं। ये होता है स्पेसिफिक, और ऑब्वियसली ये होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। होली पे क्या करना है, दिवाली पे क्या करना है, दीज आर जनरल रूल्स। बच्चों को पेरेंट्स से सही तरीके से बात करनी है, ये है मॉरल। ओके, पर मिथिक्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। जैसे मैं तुमको बताती हूँ, ये ए बिजनेसमैन है, ये बी बिजनेसमैन है। फॉर एग्जाम्पल ए को किंग फिशर टेक ओवर करना है और बी को भी किंग फिशर टेक ओवर करना है, लेकिन ए का कैरेक्टर क्या है? मैं सिर्फ एयरलाइंस लूंगा, मैं लिकर बिजनेस में एंटर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके कैरेक्टर के हिसाब से लिकर सेल करना एक गलत चीज है। लेकिन बी का मानना क्या है कि नहीं, मैं लिकर भी कर सकता हूं और मैं एयरलाइन भी कर सकता हूं। तो ये है तुम लोगों के इंडिविजुअल एथिक्स। ओके, कम एक बार पूरा देखेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज जो याद रखनी वो है ग्रीक वर्ड एथिकॉस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। एथिकॉस भी याद रखना है, ग्रीक भी याद रखना है, कैरेक्टर भी याद रखना है। एंड देन कम्स इज ग्रीक मॉस, विच मीन्स कस्टम्स। ये है इंडिविजुअल, ये है ग्रुप, ये है पर्सनल एट्रीब्यूट, ये है रिलीजन और कल्चर, ये है एक इंसान के हिसाब से, ये है पूरे सोसाइटी के हिसाब से। ये बताता है कि इंडिविजुअल के लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जैसे ए के लिए रॉन्ग क्या था? लिकर बिजनेस करना, और बी के लिए सही था? लिकर बिजनेस करना। और मॉरल्स क्या बताते हैं बच्चों? मॉरल्स बताते हैं प्रिंसिपल्स कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, हमें कब क्या करना है, कब हमें क्या नहीं करना है। ओके, अभी बच्चों एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स,
एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 साल पहले कोई अलग एथिक्स थे, अभी कोई अलग एथिक्स फॉलो होते हैं। जैसे कि पहले गर्ल्स का काम करना वॉज कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड एथिकल। पहले सती फॉलो होता था, वो टाइम पे उसको एथिकल मानते थे, बट अभी उसको एथिकल नहीं मानते। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम लाइन के हिसाब से यहाँ पे जो चीज चल रही थी अभी हो सकता है वो चीज सही नहीं लगे, और बाद में कुछ सालों बाद वो धीरे धीरे सही लगने लगे। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब जब भी हम कोई भी चेंजेस लाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो रूल्स फॉलो करते थे, नॉट नेसेसरी कि आज की जनरेशन को रूल्स फॉलो करती है। ओके, सबसे पहली बात, जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस कोड ऑफ कंडक्ट, क्या लिखा है, द कोड ऑफ कंडक्ट हैव बीन पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज अ मॉरल प्रॉब्लम विद द कस्टम ऑफ सती। ठीक है, पहले वो चीज एक्सेप्टेबल थी, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन होते गया एंड द एक्ट इज अनएक्सेप्टेबल। और जब भी हम एथिकली कोई गलत चीज करते हैं, देन द पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द बैड एक्शंस दैट कॉन्ट्रडिक्ट द एस्टैब्लिश्ड लॉ। जैसे कि विजय माल्या ने एथिकली बैंक से लोन नहीं लिया था, उसकी उसको पेनल्टी मिली है अभी, राइट, उसका कोर्ट केस चल रहा है। सो हम कोई भी एक्ट करें, अगर हम वो बैड कर रहे हैं या एज पर एथिक्स नहीं कर रहे हैं, सो यू आर चार्ज पेनल्टीज। ओके, रिलीजन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मॉरल्स एंड रिलीजियस। सही बात है ना, मॉरल ही था, मॉरल ग्रुप में होता है, इसलिए ओके। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड एंड द डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स वर इंट्रोड्यूस। वो बोल रहे कि रिलीजन के हिसाब से धीरे धीरे न्यू कस्टम्स इवॉल्व होते गए एंड लोग वो प्रैक्टिस करते गए। लेकिन बच्चों, एथिक्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स को हमें अप्लाई करना है, एथिक्स को हमें प्रैक्टिकलिटी में लाना है। एथिक्स बोलने से नहीं होता है, एथिक्स किससे होता है बच्चों, एक्शन से। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों कि एथिक्स को हमेशा फिजिकली प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ओके, द रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इज इन इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। एथिक्स बोलने से नहीं, एथिक्स एप्लीकेशन से होता है। जैसे फिजिक्स में भी जितने भी रूल्स बनते हैं, ओके, देयर इज अ पर्टिकुलर रूल जो फॉलो होता है एज पर प्रिंसिपल कि हम धक्का देंगे तो फोर्स से वो बॉल उड़ के जाएगा, वैसे ही एथिक्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। एथिक्स इन प्रैक्टिकल सेंस इज ऑल्सो नोन एज मॉरल, और उसको एक्शन में लेके आना, दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इज इन इट्स एप्लीकेशन, एंड द सेकेंड इज एथिक्स इन प्रैक्टिकल सेंस इज ऑल्सो नोन एज द मॉरल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है द सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को हमारे पब्लिक लाइफ में, अभी पब्लिक लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों, पब्लिक लाइफ का मतलब होता है घर में, राइट, या बिजनेस में, या सोसाइटी में, या हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हम हमारे कॉलोनी में जा रहे हैं, हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, हम फैमिली को मिल रहे हैं, या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय कोई सर्विस दे रहा है, एनीथिंग, राइट। तो तुम लोगों को बेसिक क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि चूज एनी वन ऑप्शन जिसमें ये सेवन प्रिंसिपल्स नहीं है या ये सेवन प्रिंसिपल्स है, तो ये हेडिंग वाइज हमें याद रखना है। वापस से रिपीट करेंगे, वन इज सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। ओके, ये बहुत बेसिक वर्ड्स है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्या बोलना चाहते थे बच्चों। सेल्फलेसनेस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें गवर्नमेंट एजेंट है, हमें सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो सेल्फलेसनेस का मतलब हम जब भी कोई काम करते हैं, हम लोगों ने इंडिविजुअल फाइनेंशियल गेन का नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों ने पूरे सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हम लोगों ने क्या नहीं रहना है बच्चों, हम लोगों ने सेल्फिश नहीं रहना है। सेल्फलेसनेस मतलब क्या, हम लोगों को सेल्फिश नहीं बनना है। क्लियर, यहाँ पे क्या लिखा है, द होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजन सोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब हमने खुद के बारे में नहीं सोचना है, हमें किसके बारे में सोचना है, हमें पब्लिक के बारे में सोचना है। दे शुड नॉट डू सो इन ऑर्डर टू गेन एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल और एनी अदर मटीरियल बेनिफिट। मतलब हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, हम लोगों ने
फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन, या हमें कोई ब्राइब दे रहा है, या हमें कोई बेनिफिट दे रहा है, या हमें डिनर्स में लेके जा रहा है, हमने ये सोच के काम नहीं करना चाहिए। सेल्फलेसनेस मतलब क्या, हमने सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना है, हमें पब्लिक के लिए काम करना है। ओके, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटेग्रिटी का मतलब होता है सच्चाई। ओके, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड नॉट प्लेस देम अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल। मतलब हमने ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तूने मेरे को अगर ये पैसे दिए ना तो ही मैं काम करूंगी। इंटीग्रिटी मतलब क्या, हमारी सच्चाई। वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर आके काम नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो सही है उसको ले लो। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी गवर्नमेंट एजेंट हैं, हमें जॉब देनी है, तो हमें जॉब किसके हिसाब से देनी चाहिए? मेरिट के हिसाब से। हमने ये नहीं देखना कि हमारे पहचान का कौन है या हमारे पहचान का कौन नहीं है। हमें किसके हिसाब से जॉब देनी है बच्चों? एज पर मेरिट। द होल्डर्स ऑफ द पब्लिक शुड मेक चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सेल्फिश नहीं बनना है, सच का साथ देना है, ऑब्जेक्टिव रहना मतलब चूज करते समय हमें मेरिट के हिसाब से चूज करना है। अकाउंटेबिलिटी, मैं जो काम कर रही हूँ अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे पेनल्टी मिलेगी, अगर मैं सही कर रही हूँ तो मुझे बोनस मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, होल्डर्स ऑफ द पब्लिक आर अकाउंटेबल फॉर द डिसीजंस एंड एक्शंस टू द पब्लिक। मतलब हम जो भी काम करेंगे हम अकाउंटेबल है, हम लायबल है, हमें उसकी चार्जेस या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीजें मिलेंगी। ओपननेस मतलब क्या, वी शुड बी ओपन टू द पब्लिक। जो है हमें सच्चाई से सब लोगों को बताना है। होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड बी ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजंस। हमें हर एक डिसीजन का प्रॉपर रीजन देना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर कोई डिसीजन ले रहा है कि मैं अभी लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं? ओपननेस। उसने ओपनली आके सोसाइटी के लिए क्या डिक्लेयर किया? लॉकडाउन। और उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बताने चाहिए कि हम ये लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं। ऑनेस्टी, एक पब्लिक एजेंट को टेक द स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग बाय द वे टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ऑनेस्टी का मतलब क्या, हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ध्यान नहीं देना है, हमने किसके इंटरेस्ट का ध्यान देना है? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली देखा जाए तो हम लोगों को किसका ध्यान देना है? पब्लिक इंटरेस्ट। और लीडरशिप मतलब क्या, हमें सोसाइटी को लीड करना है। हम जो एक्शंस करेंगे, अगर हम सही एक्शंस कर रहे हैं तो सोसाइटी हम लोगों को क्या करेगी? फॉलो। सो वी हैव टू प्रूव एन एग्जाम्पल फॉर देम, प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल इन वॉट एवर दे परफॉर्म। ओके, देयर आर सेवन प्रिंसिपल्स, रिपीट करेंगे। सेल्फलेसनेस, सेल्फिश नहीं रहना है, पैसों के लिए काम नहीं करना है। इंटीग्रिटी, हमें कोई बर्डन नहीं रखना है, हमें सच्चाई से काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी, हमें मेरिट के हिसाब से चूज करना है। अकाउंटेबिलिटी, अगर हम गलत करेंगे तो उसकी भी सजा है, और अगर हम सही करेंगे तो हमें उसका भी फायदा मिलेगा। ओपननेस, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं हम ओपनली लेंगे, हम उसके रीजंस बताएंगे कि हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। ऑनेस्टली, क्यों ऑनेस्टली काम करना है? जो भी पब्लिक में डिसीजंस लिए जाते हैं, इट हैज टू बी डन ऑनेस्टली। एंड लीडरशिप का मतलब होता है वी शुड लीड। हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, हमने ऐसा काम करना चाहिए कि हम लीडरशिप प्रोवाइड करें और हमारे पीछे बहुत लोग हमें फॉलो करें, क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं इसके लिए। ओके, हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों एथिक्स एंड मॉरल। मॉरल था ग्रुप के लिए, एथिक्स था इंडिविजुअल के लिए। याद रखेंगे एथिक्स और मॉरल का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एथिक्स और लॉ का डिफरेंस। अभी ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉ बोलता है ये कोई कंपनी कि भाई ये करना गलत है, क्लियर, ऐसा लॉ ने लिख दिया। लेकिन बच्चों जो डायरेक्टर है उसकी ये इंडिविजुअल चॉइस है कि उसको ये रूल्स फॉलो करने हैं कि नहीं करने। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ विजय माल्या। विजय माल्या को पता था कि जब भी मैं बैंक से लोन लेता हूँ मुझे सही तरीके से लोन लेना चाहिए, ये था लॉ। लेकिन ये फॉलो करना है कि नहीं करना है वो तो विजय माल्या की क्या हो जाती है? इंडिविजुअल चॉइस। तो जहां पे लॉ एंड होता है, जहां पे लॉ एंड होता है वहां पे कौन शुरू हो जाता है? वहां पे शुरू हो जाता है एथिक्स। लॉ ने बता दिया क्या करना है, अब ये हमारी मर्जी है कि हमें वो फॉलो करना है कि नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस एथिक्स कैन बी सेट टू बिगिन वेयर द लॉ एंड्स। लॉ ने तो बता के अपना काम कर दिया कंपनीज एक्ट में, पर तुम करोगे कि नहीं करोगे वो तो तुम्हारा इंडिविजुअल कैरेक्टर है। बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद दोज इश्यूज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय द लॉ। क्लियर है, बिजनेस एथिक्स इज अबाउट द ग्रे एरियाज ऑफ बिजनेस वेयर द वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट। अभी विजय माल्या को प्रॉफिट करना है,
विजय माल्या को बिजनेस का ग्रोथ ट्रेंड दिखाना है, ये एक तरफ, पर साथ में उसको लॉ भी फॉलो करना था। अभी उसने इन दोनों में से क्या चूज किया, गलत तरीके से प्रॉफिट बढ़ाना। तो वो लोग ऐसा बोल रहे, याद रखेंगे इथिक्स खत्म होता है जहां पे, जहां लॉ खत्म होता है वहां पे क्या स्टार्ट होता है, इथिक्स स्टार्ट होता है और वो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। ओके, यस, एमसीक्यू के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, लॉ इज इसेंशियली अ कोडिफिकेशन ऑफ इथिक्स इनटू स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। कोडिफिकेशन मतलब क्या, इथिक्स को देख के ही लॉ बना। बच्चों लॉ का मतलब ये होता है क्या सही है क्या गलत है ये बताना। तो वो लोग बोल रहे हैं उन्होंने इथिक्स रीड किया, इथिक्स को उन्होंने कोडिफाई किया और उसको स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या, एक्ट डिक्लेयर करके उन्होंने क्या कर दिया, हमें वो चीज बता दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या कोडिफिकेशन ऑफ इथिक्स। बच्चों इसने कोडिफाई किसको किया, इथिक्स को ही कोडिफाई किया, लेकिन उसने एक्ट में उसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिए और बोल दिया कि तुमको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। पर बच्चों ये एथिक्स ही होता है, एथिकली ही सब चीजें की जाती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एथिक्स इन बिजनेस। अच्छा बिजनेस में एथिक्स फॉलो करने की नहीं करने, बच्चों अगर बिजनेस मैन को सर्वाइव करना है, अगर उसको गवर्नमेंट से बचना है, उसको CBI से बचना है या उसको इनकम टैक्स एक्ट या GST एक्ट इन सब के लोगों से बचना है, तो उसको एथिक्स मतलब उसको लॉ और एक्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है, नो बिजनेस कैन कंटिन्यू वेल फॉर लॉन्ग इफ इट इग्नोर्स सोशल वैल्यूज। जैसे कि 6 रुपए का प्रोडक्ट है, हम 20 रुपए में बेच रहे हैं। अबे आप मुझे बताओ, अगर ये प्रोडक्ट तुम सोसाइटी में बेचोगे तो ये प्रोडक्ट लेगा कोई लोग, कोई भी नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट तुम महंगा बेच रहे हो, एथिकली नहीं बेच रहे हो। हमारी क्वालिटी है सी और हम एड में क्या कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी है ए बता रहे हैं। सो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर तुम लोग सोसाइटी को बुद्धू बना रहे हो, कुछ टाइम के बाद दे विल अंडरस्टैंड एंड देन दे विल नॉट परचेज योर प्रोडक्ट। लर्न करेंगे बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बच्चों बस एथिक्स का ही डेफिनेशन है, उसमें बस एक वर्ड ऐड करना है, बिजनेस। ये देखो क्या लिखा, स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस डिफरेंट एक्टिविटीज डिसीजन वेदर द इशू इज राइट और रॉन्ग। तो राइट एंड रॉन्ग ही है, लेकिन ये अभी हमें किस में जाके देखना है, अभी हम बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है इथिक्स एंड बिजनेस, तो हमको इथिक्स को कौन से एंगल से पढ़ना है कि भाई बिजनेस करते समय हमें क्या क्या इथिक्स फॉलो करने हैं। ओके, रेमंड ने क्या बोला, द इथिक्स ऑफ बिजनेस इज द इथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक बिजनेस मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अंबानी ने पब्लिक से इंडिया से पैसा उठा के जियो लॉन्च किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जियो तो चलाना है लेकिन उसको सही डिविडेंड डिक्लेयर करना है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको शेयर होल्डर्स को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये है क्या बच्चों, ये है अंबानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखा है, द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। The businessman must promise that he will not harm anyone knowingly. Knowingly का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी नीचे जाएगी, तुम्हें पता है कि तुम लोगों को सैलरी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम ये लोगों को बता ही नहीं रहे हो और जानबूझ के छुपा रहे हो, तो इस चीज को बोला जाता है नॉन एथिकल। तो वो लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है एंड हम जानबूझ के किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैम ठीक है, बिजनेस चल रहा है, हम एथिक्स भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैम बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो कभी कभी प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कोई कोई डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं कि जो एथिक्स से कॉन्फ्लिक्टिंग हो, मतलब एथिक्स बोलते हैं कि ये करना है लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए तुमको वो यू हैव टू नॉट फॉलो एथिक्स। कभी कभी हमें कोई एक्शन या कोई स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि डिस्काउंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अभी एथिकली देखा देखा जाए तो डिस्काउंट डिक्लेयर करने से क्या हो जाएगा, बाजू वाला प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा सेम प्रोडक्ट पर। तो पर वो लोग बोल रहे कि नहीं, बिजनेस करते समय प्रॉफिट अगर तुमको अर्न करना है, उसके लिए अगर तुम कोई स्टेप्स लेते हो जिससे बहुत ज्यादा हार्म नहीं पड़ रहा है तो चल जाएगा। क्योंकि हम बिजनेस क्यों चालू कर रहे हैं, हम बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही स्टार्ट कर रहे हैं। इट वुड सीम दैट द बिजनेस एथिक्स डज नॉट कम विद इन द कन्फाइंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। People find mechanism to generate the highest possible returns while conducting the business. अरे भाई business करना है तो profit कमाने के लिए तुम different different ideas तो लेके आ जाओगे। Their actions are not considered illegal and unethical because profit
प्रॉफिट्स आर जस्ट वेजेस फॉर द इन्वेस्टेड कैपिटल. अगर इतना पैसा लगाया है तो प्रॉफिट तो तुम लोगों को कमाना ही पड़ेगा. हेंस देयर शुड नॉट बी एनी रिसेंटेड, मतलब कोई एनवी, मतलब कोई झगड़ा. एंड वी शुड लेफ्ट अलोन, हमने इथिक्स को थोड़ा सा भूल के बिजनेस करना है तो उतना अलाउड है. बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट. द जस्ट रिवॉर्ड फॉर डूइंग बिजनेस लाइज इन द एक्सेस रिटर्न्स रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट. तो वो लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हमें कभी कभी कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करनी पड़ती है, इट इज ओके. वो हम वो टाइम पे थोड़ा एथिक्स से ऑपोजिट जाएंगे, उतना चल जाएगा, क्योंकि हमने बिजनेस किसके लिए स्टार्ट किया है? प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया. लेकिन साथ ही साथ हमें एथिक्स को बाजू में रखना है. ये तो एक अलग से पॉइंट है कि बिजनेस और प्रॉफिट, में प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है. तो नेक्स्ट चीज वो लोग बोलते हैं कि भाई पर बिजनेस करना है पर साथ में एथिक्स को भी याद रखना है. ये लर्न करेंगे ये सेंटेंस. महात्मा गांधी ने क्या बोला है, इट इज डिफिकल्ट. एथिक्स फॉलो करना बिजनेस में डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली एन ऑनेस्ट बिजनेस. ऑनेस्ट बिजनेस करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो डिफिकल्ट है. Therefore, there is no separate business ethics for businessmen. इसे अलग से कोई ethics books नहीं लिखी हुई कि businessman को क्या follow करना है. जो general honesty, घर पे भी honesty चाहिए तो business में भी honesty चाहिए. घर में भी हमें properly time देना है तो business में भी properly time देना है. तो ये general rules है. ऐसे business के लिए अलग से कोई book नहीं लिखी गई कि भाई businessman को ये ethics follow करने है. Therefore, there is no separate ethics for businessman as ethics applies to all the activities of the people. Very important. ये लोग बोल रहे कि भाई एथिक्स ऐसा नहीं है बिजनेस को लगता है घर पे नहीं लगता है, बिज एथिक्स लगता है हर एक्टिविटी को. तो वो लोग बोल रहे कि ऐसा कोई बिजनेसमैन को सेपरेट काइंड ऑफ एथिक्स नहीं है. ओके, कैरेक्टर ऑफ बिजनेस. ठीक है, जैसे बहुत से टाइम टाटा का जो कैरेक्टर है ना, ही इज नोन फॉर गुड डीड्स. बच्चों, टाटा बहुत पैसा डोनेट करता है, तो उसका कैरेक्टर कैसे मालूम पड़ता है बच्चों? उसका कैरेक्टर आता है अच्छा. तो कैरेक्टर ऑफ बिजनेस मतलब क्या बच्चों? जो ओनर है वो क्या कैरेक्टर से बिजनेस चला रहा है? वो अग्रेसिव है, छोटी कंपनी को निकालते जा रहा है, खुद का बिजनेस बढ़ाते जा रहा है, तो उसका कैरेक्टर अलग है. या वो स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है तो उसका कैरेक्टर अलग है. तो बच्चों करप्शन तो हर जगह है. तुम्हारा कैरेक्टर है कि तुमको वो गलत काम करना है या नहीं है. करप्शन प्रिवेल्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोसाइटी में हो, हमारे इकोनॉमिक्स में हो. इफ वी हैव टू इम्प्रूव आवर बिजनेस, वी हैव टू इम्प्रूव आवर बिजनेस बिहेवियर. क्योंकि ये हमारी दुनिया है, राइट? पर हमें बिजनेस तो इसके अंदर ही करना है ना. तो वो लोग बोल रहे कि भैया सोसाइटी में करप्शन है, इकोनॉमिक्स में करप्शन है, पॉलिटिकल चीजों में करप्शन है, और तुमको उसके बीच में ही बिजनेस करना है. तो क्या इंपॉर्टेंट है? तुम बाहर के करप्शन को मत देखो, तुमको तुम्हारा खुद का कैरेक्टर सही करना है. लास्ट लाइन में क्या लिखा है? करप्शन प्रिवेल्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वेदर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक. इफ वी हैव टू इम्प्रूव आवर बिजनेस, वी हैव टू इम्प्रूव आवर बिजनेस बिहेवियर. हमें हमारे खुद के बिहेवियर और हमें हमारे खुद के कैरेक्टर का ध्यान देना है. ओके, नेक्स्ट इज बच्चों, हमने भी क्या पढ़ लिया एक बार देखेंगे. हमने पढ़ा भैया एथिक्स और बिजनेस का क्या कनेक्शन है, हमने ये पढ़ लिया. प्रॉफिट के बिजनेस तो है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ हमें एथिक्स को भी फॉलो करना है. उसके साथ साथ हमें दुनिया को ब्लेम नहीं करना है, हमें हमारे कैरेक्टर का ध्यान देना है. अब प्रोफेशनल एथिक्स मतलब क्या होता है बच्चों? हमें अपने प्रोफेशंस में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. बिजनेस एथिक्स कम्स अंडर प्रैक्टिकल एथिक्स. मतलब क्या? बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा. जैसे कि CA CA में हम लोगों का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करता है, और हमें वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है. अगर हम कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट ये फॉलो ना करें ना, तो बच्चों हमारा मेंबरशिप या डिग्री ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? देर इज अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, देर इज अ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो हम लोगों को फॉलो करना है फॉर एनी बिजनेस. दिस कोड्स कीप ऑन इवॉल्विंग एज अदर थिंग्स अराउंड. बच्चों कोड्स चेंज होते रहते हैं एज एंड व्हेन, जैसे इकोनॉमी चल रही है, जैसे कंट्री चल रही है, हमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन को कभी बढ़ाना पड़ता है, कभी रिस्ट्रिक्शंस घटाने पड़ते हैं, कभी नॉर्मल रखना पड़ता है. सो इट विल ऑलवेज इवॉल्व. ठीक है, ओके. अभी नेक्स्ट चीज, यहां पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो बहुत खुश है. तो उसको जाके पूछा कि भाई तू खुश क्यों है? तो उसने बोला कि मेरे बिजनेस में ना बहुत भारी प्रॉफिट चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम देता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टी से काम करता हूँ.
तो उसने पूछा पर फिर तुम्हारी फैमिली लाइफ सही है? उसने बोला मैं घर पे भी सेम चीजें फॉलो करता हूँ, मैं घर पे भी बहुत टाइम देता हूँ और मैं घर पे भी बहुत ऑनेस्टी से काम करता हूँ, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बच्चों जो तुम्हारा इंडिविजुअल कैरेक्टर है ना वो पूरे दिन में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि घर में झूठ और बिजनेस में सच बोल रहे हो या बिजनेस में झूठ और घर में। जो तुम्हारा कैरेक्टर है तुम घर में भी वैसे ही रहोगे, तुम बिजनेस में भी वैसे ही रहोगे। अगर तुम हार्ड वर्किंग हो तो तुम घर में भी हार्ड वर्किंग रहोगे, पढ़ाई में भी हार्ड वर्किंग रहोगे, बिजनेस करने में भी हार्ड वर्किंग रहोगे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि बाबा द कैरेक्टर ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल रिमेन्स अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड मतलब क्या? घर पे अलग बिजनेस में अलग ऐसा नहीं होता, वेदर एट वर्क और एट होम। यहाँ पे उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिए जो मैंने भी तुम्हें बताया। आर रोल्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ रोल्स चेंज होते हैं, घर में अलग रोल है, फ्रेंड्स के साथ अलग रोल है, फैमिली के साथ अलग रोल है, बिजनेस में। लेकिन बट सच्चाई इंटीग्रिटी ऑफ अ कैरेक्टर शुड बी मेंटेन। एक इंसान का कैरेक्टर कंटिन्यूस लेवल पे सही होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस एथिक्स दस प्रोफेशनली अडियर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये हमें समझ गया कि भैया एक कोड ऑफ कंडक्ट है, हमको बिजनेस करते समय, हमको प्रोफेशन हैंडल करते समय या हमको होम हैंडल करते समय हमें क्या फॉलो करना है। रूल्स पेपर में रूल्स नहीं टिक करोगे बच्चों, तुम लोग पेपर में क्या टिक करोगे? हम लोगों को क्या फॉलो करना है? हमको कोड ऑफ कंडक्ट क्या करनी है? हमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करनी है, क्लियर है? नेक्स्ट, तो वो लोग बोल रहे हैं इसमें क्या क्या होता है। ये लोग बोलते हैं कि ये फॉलो करने के लिए तीन चीजें होती है। एक होती कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? तुम केपेबल हो वो काम करने के लिए। केपेबल तो हो, सीए की डिग्री तो है, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉपर स्किल्स भी होनी चाहिए और ये स्किल्स के लिए तुमको प्रॉपर सैलरी भी मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीजें, मतलब मेरे पास सीए डिग्री है, मैं केपेबल हूँ काम करने के लिए, प्लस मेरे को 1 लाख का पर मंथ का पैकेज भी मिल रहा है, तो मतलब मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं क्या फॉलो करूंगी? मैं प्रॉपरली बच्चों एथिक्स को फॉलो करूंगी, ठीक है। चलो ये तीनों याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आ जाइए लेट्स रीड इट। इट मे बी कॉन्क्रीटली स्टेटेड दैट द प्रोफेशनल बेयर द फॉलोइंग मार्क कैरेक्टरिस्टिक। भैया सीए की डिग्री मिल गई, मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ और मेरे को सही तरीके के पैसे मिल रहे हैं। अगर ये सब चीजें हो रही है तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी। सीए डिग्री, स्किल्स एंड लास्ट में क्या लिखा है, कंपेंसेशन। पर बच्चों ये एक दिन का नहीं, एक दिन काम नहीं करना है, लाइफ लॉन्ग हमको ये फॉलो करना है, राइट। तो वो लोग क्या बोलते हैं भैया, देर आर थ्री पी। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देर आर थ्री पी कि हमारा बिजनेस सही तरीके से रखे। पहला है पीपल, दूसरा है हमारा एनवायरमेंट मतलब हमारा प्लैनेट, और फिर आता है हमारा प्रॉफिट। अंबानी को उसके एम्प्लॉय लोगों को खुश रखना। अगर एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो वो सही तरीके से काम करेंगे और सही प्रोडक्शन होगा। हमें ये भी ध्यान देना है कि हम हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को खत्म नहीं कर रहे, मतलब हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, या हम पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे, या हम कोई गलत साइड इफेक्ट रेंडर नहीं कर रहे। एंड लास्ट इज बच्चों बिजनेस है तो प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अंबानी को किसका ध्यान रखना है, एक तो लोगों का मतलब ये एम्प्लॉयज कस्टमर सब लोगों का, प्लैनेट मतलब क्या हमारा प्लैनेट एनवायरमेंट, हमें यहाँ के रिसोर्सेज क्या करना है, हमें रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। एंड लास्ट इज प्रॉफिट, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ध्यान देना है कि भाई बिजनेस पैसा कमा रहा है कि नहीं। ये तीनों चीजें वेरी वेरी आईएमपी। बैलेंस इज टू बी मेड ऑफ ऑल द थ्री अबाउट। बिजनेस विल नॉट सस्टेन इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अगर लोग भाग गए, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो प्रोडक्शन कर पाएंगे? लॉन्ग रन में हम लॉस में चले गए, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। या लॉन्ग रन में हम लोग पॉल्यूशन देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा प्रोडक्शन ही बंद कर देगी। तो वो लोग बोल रहे हैं ये तीनों चीजें अगर रही तो ही लॉन्ग रन में हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे और हमारा बिजनेस चलता रहेगा, वरना बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। ओके लेट्स रिवाइज बच्चों, ये 1 2 3 ये याद रखना है। ऊपर के 3 पॉइंट क्या है, हमको क्या करना है? भाई पहले हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए और हमें प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए। एंड लास्ट इज बिजनेस कब चलता रहेगा, सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस। सस्टेनेबिलिटी मतलब जिंदा रहना, सस्टेन करना, 50 साल 15 साल 100 साल कोई बिजनेस कभी कभी सस्टेन करता है बच्चों। तो क्यों सस्टेन करता है? क्योंकि पीपल खुश है, प्लैनेट अर्थ को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, एंड तीसरा है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम बिजनेस क्यों
बंद करेंगे. क्लियर? ओके. अभी हमने पढ़ा कि हाँ बाबा बिजनेस प्रॉफिट कमाना जरूरी है लेकिन इथिक्स भी जरूरी है. अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी है एथिक्स. क्यों जरूरी है बच्चों? एथिक्स इसलिए जरूरी है ताकि हम गलत काम ना करें, हम माल प्रैक्टिसेस ना करें, हम बैंक से गलत तरीके से लोन ना लें, ठीक है, हम मार्केट को गलत तरीके से ऑक्यूपाई ना करें, ओके, हम गलत तरीके से चीजों को डंप ना करें मार्केट में. तो वो लोग बोल रहे हैं व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्यों हमें एक बार लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये चीजें करना गलत है. तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्यों एथिक्स फॉलो करना है. अरे भाई हमको बिजनेस में माल प्रैक्टिसेस को बंद करना है. वी हैव टू स्टॉप बिजनेस के माल प्रैक्टिसेस. माल प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है बच्चों? फालतू का हाई प्राइसिंग. अडल्ट्रेशन मतलब क्या? 80% असली माल डाला है, 20% नकली माल डालते हैं. जैसे हम बच्चों में पढ़ते थे मिर्ची में ईट का पाउडर डाल देंगे, कलर सेम है हमें समझ ही नहीं आएगा. दाल में हरे पत्थर डाल देंगे, हमें समझ नहीं आएगा. इसको बोलते अडल्ट्रेशन. या ब्लैक मार्केटिंग करना, जो ब्लैक में टिकट सेल होते हैं महंगे में. तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये सब चीजें अगर हमें स्टॉप करनी है तो हम लोगों को एथिक्स का इंपॉर्टेंस पहले समझना पड़ेगा. देयर हैज टू बी अ नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स ताकि हम ये माल प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर सके. क्योंकि बच्चों ये जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं ना, ये प्रोवाइड करते हैं हार्मफुल टू द कंज्यूमर. अगर हम लो क्वालिटी का कोई खाना खा लेंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं. तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हमें एथिक्स फॉलो करना है. दूसरा रीजन बच्चों, अगर हमें पता है कि कोई कंपनी बहुत एथिकली चलती है, फॉर एग्जाम्पल टाटा, ओके, या फॉर एग्जाम्पल अंबानी, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बनता है. कभी कभी हमें लगता है कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट का ध्यान दे रहे हैं, तो हमें यह लगता है कि हाँ हम उसका प्रोडक्ट जाके खरीदेंगे क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो वो लोग बोल रहे हैं अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं ना तो कस्टमर हमारा कॉन्फिडेंट होता है. The customer have more trust and confidence in the businessman who follow ethical rules. मतलब जो ethics follow करता है customer, वो ही businessman का product जाके खरीदते हैं. Okay? Survival of business. बच्चों business चलता है society में, society चलती है ethics के हिसाब से. तो वो लोग बोल रहे हैं कि business ethics are mandatory for the survival of the business. The businessman who do not follow it will have short-term success, but they will fail in long run. जैसे कि सहारा कंपनी डूब गई, विजय माल्या की कंपनी डूब गई. क्यों डूब गई बच्चों? उन्होंने पैसा उठाया इंडिया से और इंडिया के वो गरीब लोगों को पैसा रिटर्न ही नहीं किया. तो शॉर्ट रन में पैसा कमा लोगे लेकिन लॉन्ग रन में तुमको अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा बच्चों? बंद करना पड़ेगा. बच्चों आजकल हमें कंज्यूमर के राइट्स को सेफ गार्ड करना पड़ता है. मतलब कंज्यूमर के पास आजकल एक साइट होती है जहाँ पे जाके ना वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला था, इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम था. तो हमें कंज्यूमर के अधिकारों का, राइट का भी ध्यान देना है. कंज्यूमर के हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना है. कंज्यूमर सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी वर्ड का मतलब क्या है? मैंने ऊपर लिखा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिटरमाइन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब क्या? हम कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स बनाते हैं. कंज्यूमर हैज मेनी राइट्स सच एज राइट टू हेल्थ, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रीड्रेस. ये हमने पढ़ा था बच्चों मेरे 12th स्टैंडर्ड में कि कंज्यूमर के पास आजकल बहुत सारे राइट है. जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, पैकेट के पीछे सब प्रिंट करना पड़ता है. राइट टू चूज, मैं गई ओप्पो वीवो वन प्लस आईफोन लेने, मेरी मर्जी में कोई भी फोन खरीदूं, ठीक है. सो यू हैव राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी. मेरे को क्वालिटी भी पता रहना चाहिए कि तुम कौन से क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे बेच रहे हो. अगर तुम बिजनेस चला रहे हो जो कस्टमर तो खुश रहना चाहिए, साथों साथ मेरा एम्प्लॉय भी खुश जो मेरे यहाँ काम कर रहा है. एंड शेयर होल्डर मतलब क्या? जो मेरे यहाँ पैसा लगा रहा है, जो इंसान पैसा लगाता है वो भी खुश रहना चाहिए, तो ही बिजनेस तुम्हारा प्रॉफिटेबली चलेगा. यू बच्चों इफ यू आर इन बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करना विद सोसाइटी. अगर सोसाइटी खुश है तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ, तुम्हारा सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्ग रन में सस्टेन करेगा. बच्चों दिस इज बेसिक पॉइंट. बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द बिजनेस एंड द सोसाइटी. अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा तो तुम्हारी इमेज अच्छी, और अगर तुम्हारी इमेज अच्छी तो तुम हमारे सोसाइटी में सस्टेन कर पाओगे. तुम्हारी इमेज अच्छी, सब लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहे हो. जैसे कि मैगी बीच में बंद हो गया था, लेकिन मैगी का हुआ क्या? भले वो बंद हो गया था क्योंकि उसमें लीड फंग हुई थी, लेकिन उसका रिलेशन अच्छा था, उसकी इमेज अच्छी थी.
तो वो वापस से जब आया ना, पूरे इंडिया वापस से चली गई मैगी के पास, यिप्पी बंद हो गया, पतंजलि मैगी कोई नहीं खरीदता है, फिर से लोग मैगी पे क्यों आ गए, स्मूथ फंक्शनिंग, क्योंकि मैगी ने बाद में अपने स्टैंडर्ड्स बदले और बोला कि मैं एथिकली बिजनेस कर रहा हूँ। कंज्यूमर मूवमेंट, बच्चों कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंज्यूमर्स लोग अपने अगेंस्ट मूवमेंट भी ला सकते हैं कि भाई तुमने गलत किया, अपना बिजनेस बंद करो। टुडे द कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड वेल इन्फॉर्म्ड, ओके, दे विल बॉयकॉट प्योर क्वालिटी गुड्स। बच्चों अगर कोई गुड्स की क्वालिटी कम है, उनके मूवमेंट मतलब क्या है, वो लोग वो गुड्स खरीदेंगे ही नहीं। अगर उन्हें लग रहा है वो हार्मफुल है, हाई प्राइज्ड है, डुप्लीकेट है, तो ये लोग कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर एसोसिएशन में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर उनके साथ अगर कोई गलत हो रहा है, क्वालिटी कम मिल रही है, प्राइस महंगा मिल रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, अडल्ट्रेशन हो रहा है, ब्रांडिंग गलत तरीके से की जा रही है, तो वो लोग एक फोरम होता है, एक साइट होती है जहाँ पे जाके कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर तुम इथिक्स फॉलो करते हो, हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है कि भाई बिजनेस वालों ने इथिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए, उसने इथिक्स इसलिए फॉलो करना चाहिए, अगर तुम इथिक्स फॉलो करोगे तो हमारा कस्टमर रहेगा सेटिस्फाइड। और हम बिजनेस चला ही किसके लिए रहे हैं बच्चों, हम बिजनेस चला रहे हैं कस्टमर के लिए। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, एनी बिजनेस सिंपली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द कंज्यूमर। कंज्यूमर खुश, लेबर भी खुश। इथिक्स का मतलब क्या होता है, हमने लेबर को सही सैलरी, सही बोनस और सही छुट्टियां देनी चाहिए तो ही वो खुश रहेगा। एथिकली उससे हमने ट्रिपल वो टाइम नहीं करवाना चाहिए, डबल वर्क नहीं करवाना चाहिए। अगर डबल वर्क करवा रहे तो उनको हमें डबल पैसा भी देना चाहिए एथिकली, ऐसा नहीं बस उनसे काम ही कराते जा रहे। तो वो लोग बोल रहे यू हैव टू गिव देम प्रॉपर वेजेस, सैलरी, बेटर वर्किंग कंडीशंस, खाना प्रोवाइड करना चाहिए, एसी प्रोवाइड करना चाहिए, क्लीन फैक्ट्री प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सब एथिक्स में ही आता है बच्चों, ओके। हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या है कि हमने सही तरीके की कंपटीशन करनी चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर के साथ। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए एड में कि भाई तुम लोग हिप्पी मत खरीदो, तुम लोग मैगी खरीदो, हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होती है। अगर तुम हेल्दी कॉम्पिटिशन करोगे तो सही मार्केटिंग होगी और आगे कस्टमर की चॉइस है, उसको जो खरीदना है वो खरीदेगा। हेल्दी कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स अबाउट एफिशिएंसी, सही काम होता है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। दे मस्ट नॉट डू, देखो क्या लिखा है, गलत कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, दे मस्ट नॉट डू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। सिमिलरली दे मस्ट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल स्केल बिजनेस ऑल्सो। दे मस्ट अवॉइड मोनोपोली, मोनोपोली मतलब क्या, पूरे इंडिया में तुम अकेले बेच रहे हो, ये गलत चीज है। हमें छोटे छोटे कंज्यूमर, छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दिस इज बिकॉज मोनोपोली इज हार्मफुल टू द कंज्यूमर। एक बार रिवाइज करेंगे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई बिजनेस में हमें इथिक्स क्यों फॉलो करना है। क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे, एक तो माल प्रैक्टिसेस बंद करने, हमें कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि भाई हम इथिक्स फॉलो करते हैं, तू हमसे प्रोडक्ट ले, हम कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। बिजनेस को अगर जिंदा रहना है तो इथिक्स फॉलो करने पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में इथिक्स ही फॉलो होते हैं। हमें कंज्यूमर राइट्स का ध्यान देना है, कंज्यूमर का है राइट टू इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू सेफ्टी है। तो हम जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे हमें ये सब पॉइंट्स का भी ध्यान देना है। कंज्यूमर खुश है, इम्प्लॉय को भी खुश रखो, शेयर होल्डर को खुश रखो, अगर उनके साथ गुड रिलेशंस रखोगे, सही बात है, अगर तुम गुड रिलेशंस रखोगे, गुड इमेज बना के रखोगे, तो अगर तुम ये दोनों चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्मूथ फंक्शनिंग होगी, तुम्हारा बिजनेस स्मूथली चलेगा। मैगी का गुड रिलेशन था, मैगी का गुड इमेज था, इसके लिए वो भले बंद हुआ 6 महीने, पर अभी वो स्मूथली फंक्शन कर पा रहा है। कंज्यूमर लोग कहीं पे भी मूवमेंट करके हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके कंज्यूमर का हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारा कंज्यूमर खुश रहना चाहिए, हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। लेबर को भी हमने एथिकली उसकी सैलरी, छुट्टी, वर्किंग कंडीशन सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। और हम जब भी कॉम्पिटिशन करते, कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्दी, हमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं करनी है, या स्मॉल स्मॉल बिजनेस को मार के बिजनेस नहीं करना है, हमें मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी है, हमें सही तरीके का ब्रांडिंग, सही तरीके का प्राइस करके ही हमें कॉम्पिटिशन कंडक्ट करनी है। क्लियर है? ओके, मुझे तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लेट्स सी फ्यू एमसीक्यूज। यस, द स्टडी, लेट्स सी द फर्स्ट एमसीक्यू। The study of ethics is divided into dash operational area. ये था हमारा first heading. इसका answer क्या है? इसका मैंने तुमको ऊपर mark करके दिया था. They are divided into
फोर. नेक्स्ट, एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, बच्चों लैटिन की ग्रीक, मैंने तभी भी बोला था ग्रीक, पर यहाँ पे एथियोस आएगा, यहाँ पे पॉइंट गलत है, इट इज फ्रॉम द ग्रीक. नेक्स्ट, एथिक्स इज इवॉल्व विद द एवोल्यूशन ऑफ द कल्चर. ओके, नेक्स्ट बच्चों बहुत ही सिंपल, अगर तुम देखोगे बस एक रीडिंग के बाद यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज. इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट. हाँ, ये हमें बोला था महात्मा गांधी ने कि भाई मुश्किल है एथिकली बिजनेस करना, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है. लॉ इज अ डैश ऑफ एथिक्स, हमने पढ़ा था कोडिफिकेशन. लॉ ने क्या किया है, एथिक्स को कोडिफाई किया है, और वो अपना काम क्या कर पाया है, वो अपना काम कर पाया है प्रॉपरली कंप्लीट. ओके, सेवन क्वेश्चन क्या है, दिस इज नॉट ऑफ द सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. अच्छा, इंटीग्रिटी था बच्चों, ऑनेस्टी था, हाँ, कंटेंट नहीं था बच्चों, राइट. वो सेवन प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे, क्लियर है. ओके, बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, बच्चों नेगेटिव क्वेश्चन है, डज नॉट, जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आता है दो बार क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्या पूछा है, बिजनेस माल प्रैक्टिस, बिजनेस के गलत चीजें क्या इंक्लूड नहीं करती, मतलब हमें क्या टिक करना है, अच्छी चीज. ब्लैक मार्केटिंग गलत चीज होती है, अडल्ट्रेशन गलत चीज होता है, डुप्लीकेशन गलत चीज होता है. इसका आंसर है ये, एडवर्टाइजिंग करना एक सही चीज है. ओके, बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर, नेक्स्ट क्या लिखा है, अवॉइडेंस ऑफ. अच्छा, हमें अवॉइड क्या करना है, कॉम्पिटिशन तो कर सकते हैं, पब्लिसिटी भी कर सकते हैं. बच्चों ये गलत चीज होती है, मोनोपोली. मोनोपोली मतलब क्या, हम अकेले मार्केट चला रहे हैं, हमें ये चीज नहीं करनी है. क्लियर है, ओके बच्चों ऐसे. ओके, लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस. 15 क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीड करेंगे. डैश इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर कंसिडर्ड बाइंडिंग ऑन एनी पर्सन. बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस, एनी ऑफ दी अबव. डैश इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर कंसिडर्ड बाइंडिंग ऑन अ पर्सन. बच्चों कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हमने बोला था कि सीए लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, सीएमए को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, वैसे. चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट विच सोसाइटी शुड फॉलो वाइल कंडक्टिंग देयर सोशल एक्टिविटी. हाँ, हम बिजनेस एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं जब हम सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं. यस, इसका आंसर है ट्रू. क्लियर है बच्चों? बच्चों ऐसे तरह मेनी क्वेश्चंस जो प्रिंटेड है हमारे मॉड्यूल के पीछे, हमें मॉड्यूल के पीछे के ये सब क्वेश्चंस को एक बार रीड करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन देखो, 23rd देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, कल्यूजन. अच्छा, ये भी गलत होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी गलत होता है, फॉल्स कम्युनिकेशन भी गलत होता है, सब कुछ अनएथिकल है. कल्यूजन मतलब क्या, दूसरे लोगों से कोलाइट कर लेना, छोटे लोगों से उनका बिजनेस बंद करवा देना. फॉल्स कम्युनिकेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देना. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या बच्चों, गलत तरीके से अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालना. ओके बच्चों, वेरी वेरी जनरल क्वेश्चंस. ओके, यू हैव टू रीड ऑल दिस क्वेश्चंस. अगर तुम देख रहे हो एक बार, अगर तुम लोगों ने प्रॉपरली पूरा सेशन, पूरा ये लेक्चर रीड किए हैं, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके, ये देखेंगे फॉर एग्जांपल, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. ओके, बिजनेस एथिक्स इज डैश इन नेचर, ऑब्सोल्यूट, नॉट ऑब्सोल्यूट, परमानेंट. ओके, सो फॉर दिस एमसीक्यू बच्चों, टेक्स्ट बुक के पीछे 45 एमसीक्यूज प्रेजेंट है. ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग. ओके, ये सब हमें कंप्लीट करना है बच्चों. ये 30 मार्क का पोर्शन कोई भी ये नहीं समझेगा कि लास्ट डे पे हम पढ़ के खत्म करेंगे. यू हैव टू स्पेंड ओनली वन आवर. ओके, पूरा सेशन अच्छे से सुनेंगे एंड इसके बाद टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑल द एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग रेफर करेंगे, आंसर्स देखेंगे और उसको प्रॉपरली रिवाइज करेंगे. क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. बच्चों इसको एक बार प्रॉपरली रीड करो, अटेम्प्ट को भी एक महीना भी नहीं रहा है. नाउ इज द राइट टाइम कि हम ये पेपर टू स्टडी करें. ये नहीं सोचेंगे कि हमने लॉ पढ़ लिया, ये हम पेपर में ऐसे ही देख आएंगे. इट्स अ वेरी स्मॉल, बच्चों एक घंटे में अगर हम 30 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट कर पा रहे हैं तो इसका हाई इम्पोर्टेंस है. किस में हाई इम्पोर्टेंस है बच्चों? स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, यहाँ पे जनरल एथिक्स, हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए. एक बार पढ़ोगे यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क. ओके, इफ एनी क्वेरी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. ओके, ओके बच्चों, थैंक यू, मीट यू ऑल सून.